श्री कृष्ण। नमस्कार सभी को। आज का क्लास में हम सीखेंगे अनदर एक न्यू पीस। ये भी आपका 8 लाइन का पीस है, काफी बड़ा है। इसका नाम है ऑन द टॉप ऑफ ओल्ड स्मोकी। इसका टाइम सिग्नेचर 3/4 है एंड बीपीएम इसका 105 सेट किया हुआ है। एफ शार्प है। एफ शार्प होने से कौन सा स्केल है, क्या है, ये आपको डिटेल में आपको बाद में जब थ्योरी क्लास स्टार्ट करूंगा। ये जो चैप्टर सीरीज अभी चल रहा है, ये जो सीरीज आपका अभी चल रहा है, इसका बाद में, ये आपका बेसिक्स है, ठीक है। एटलीस्ट आपका फिंगर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड एडजस्ट हो जाए गिटार के साथ में, आप नोट सब पहचान जाओ एज पर द नोटेशन शीट एंड आपका गिटार फ्रेट में कहाँ प्ले होता है। उसका बाद में जब भी आपका ग्रेडेड पीस में आएंगे, जैसे इनिशियल ग्रेड आएंगे, उस टाइम इनिशियल ग्रेड का जो थ्योरी है साथ में हम सीखते सीखते जाएंगे। एक क्लास हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक क्लास हम थ्योरी करेंगे, तो आपको समझ आ गया कौन सा स्केल है। तो अब इसका एक बार पहले मैं प्ले कर लेता हूँ, आपको बजा के दिखा देता हूँ, देन आपको लाइन बाय लाइन अब मैं को समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा है सुर, मुझे तो काफी अच्छा लगा, स्लो एंड शांत है, ठीक है। चलो इसका भी लाइन बाय लाइन एक बार देख लेता हूँ कैसा है। बहुत ही इजी है, बट आपको थोड़ा सा नोट आपको समझाना नहीं पड़ेगा एंड इसका काउंटिंग भी आपको समझाना नहीं पड़ेगा, बट प्रॉब्लम आपको एक जगह में होगा, कहाँ पे होगा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नोट देखिएगा, यहाँ पे पिकअप नोट है, राइट। पिकअप नोट क्या है आपको बता दिया था इसका पहले मैंने। ये पीस का एक पार 3/4 टाइम सिग्नेचर है, तो एक पार में 3 नोट होना चाहिए क्वार्टर नोट, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट बार में सिंगल नोट है, दैट मींस इट्स अ पिकअप नोट, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट बार ऑफ दिस कंप्लीट पीस। लास्ट बार में 2 बीट रहेगा, 2 नोट रहेगा, 2 बीट रहेगा एंड थर्ड बीट यहाँ पे पिकअप में काम आता है, ठीक है, द स्टार्टिंग बीट है। तो यहाँ पे फर्स्ट बीट को हम काउंट नहीं करते इनिशियली, तो 1 से या 2 से स्टार्ट होता है। सेकेंड बार से देखिएगा, 1 2 3 देन 1 2 कंटिन्यूएशन है, 3 हो गया। नेक्स्ट इस जगह में देखिएगा, यहाँ पे क्या है, एक डॉटेड हाफ नोट है, दैट मीन्स 3 बीट है, ओके। तो वहाँ पे काउंट हो रहा है 1 स्ट्रोक होगा, 2 3 कंटिन्यूशन है, इसको टाई है अनदर एक हाफ नोट के साथ, ठीक है। तो टोटल जब आप प्ले कर रहे हो थर्ड बार का पिकअप नोट छोड़ के, थर्ड बार का जो नोट है उसका कंटिन्यूशन कितना बीट तक है, मतलब 1 प्ले हो रहा है 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 3 एंड नेक्स्ट 2, तो टोटल 1 प्ले हो रहा है 4 बीट तक आपको कंटिन्यू साउंड को होल्ड करना है, देन अगेन बीट पड़ता है, तो उसमें काउंटिंग क्या हो रहा है, 1 लास्ट में 4, ठीक है। तो प्ले कैसा हो रहा है इसका, फर्स्ट लाइन पिकअप नोट के साथ में, याद आ गया, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज नोटिस कीजिएगा, सेकेंड बार एंड थर्ड बार, मतलब उधर पिकअप नोट, एक्चुअल पिकअप नोट को भी अगर हम लोग कंसीडर करें तो थर्ड बार, सेकेंड बार का जो लास्ट नोट है दैट इज डी एंड थर्ड बार का स्टार्टिंग है जी, जो नोट है डॉटेड हाफ नोट जो है। तो अब कैसा प्ले करेंगे इसको, जो थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर का यहाँ पे कुछ पोस्टेड है, छोटा थर्ड फिंगर, अभी ये जो जी है, जी को आपको प्ले करना है 4th फिंगर से उसी कंडीशन में,
ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, इसको थर्ड फिंगर को उठा के फोर्थ में मत लेके जाइए, यहाँ पे बिठा दीजिए इसको, कीप लेट इट बी देयर एंड फोर्थ फिंगर तक जी को ले लीजिएगा, ठीक है? तो कैसा प्ले हो रहा है? ओके, चलो फर्स्ट लाइन और एक बार प्ले करता हूँ। चलो सेकंड लाइन देखते हो, सेकंड लाइन में क्या, सेकंड लाइन में भी रिदम थोड़ा डिफरेंट है इसमें। फर्स्ट तो 1 2 3 एंड सेकंड बार में है ये डॉटेड हाफ नोट, तीन बीट है, उसका कंटिन्यूशन जो कि थर्ड बार में अनदर एक डॉटेड हाफ नोट है, तो कंटिन्यूशन आपको 1 2 3 1 2 3 मतलब 6 बीट तक कंटिन्यू है, और उसका बाद में लास्ट बार में देखिएगा दो रेस्ट है, 1 रेस्ट 2 रेस्ट, थर्ड में जाके नोट है, तो कितना बीट तक साउंड कंटिन्यू कर रहा है, साउंड कंटिन्यू कर रहा है आपको 6 बीट तक एंड 2 रेस्ट है, और टोटल 6 प्ले हो, 6 बीट तक साउंड कंटिन्यू करेगा, 2 बीट रेस्ट करेगा। ये जो कैलकुलेशन है सब, ये कैलकुलेशन वाइज आपको साउंड को कंटिन्यू रखना एंड छोड़ना इस जगह में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, इसीलिए बोलते हैं मेट्रोनोम का साथ में प्ले कीजिएगा काउंट कर करके, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। चलो प्ले करके देखते कैसा है। ठीक है, तो मैंने जो काउंटिंग है, इस जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग को आपको बाय डिफॉल्ट आपका ब्रेन में आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो थर्ड लाइन देखते हैं, थर्ड लाइन में क्या है, थर्ड लाइन में सेम है 1 2 3 देन 1 डॉटेड हाफ नोट, नेक्स्ट बार में देखिएगा डॉटेड हाफ नोट, 3 बीट है, कंटिन्यूएशन है जाके अनदर हाफ नोट के साथ में, यहाँ 3 वहाँ 2 टोटल 5 बीट का कंटिन्यूएशन है टोटल, राइट? तो एक प्ले होगा टोटल 4, यहाँ 2 वहाँ 2 कंटिन्यूएशन साउंड है, देन फिफ्थ में जाके अनदर मतलब नेक्स्ट बार का 3rd बीट में जाके आपका स्ट्रोक पड़ेगा, ठीक है? तो कैसा प्ले हो रहा है? और एक बार, ठीक है, चलो अभी फोर्थ लाइन देखते हैं। फोर्थ लाइन में क्या है, फोर्थ लाइन में है आपका सेकंड लाइन जैसा ही है, फोर्थ लाइन में काउंटिंग है 1 2 3 4 थर्ड सेकंड एंड थर्ड बार में देखिएगा 2 डॉटेड हाफ नोट है, दोनों का बीच में कंटिन्यूएशन है, मतलब एक स्ट्रोक होगा और नेक्स्ट 5 बीट तक कंटिन्यू लेके जा रहा है इसको, ठीक है, देन 2 रेस्ट है, अगेन एक नोट है, तो कैसा प्ले हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखता हूं, नेक्स्ट लाइन में है 1 2 3 1 2 रेस्ट है, सॉरी 2 कंटिन्यूएशन है, एंड थर्ड बार में एक डॉटेड हाफ नोट, एक क्वार्टर नोट का टाई है, राइट? तो कितना बीट यहां पे सस्टेन है, एक स्ट्रोक 4 बीट सस्टेन है, यहाँ पे 2 और नेक्स्ट में 2 4 बीट, इसके पहले वाला लाइन में 5 बीट सस्टेन है, ये जो 4 बीट का सस्टेन एंड 5 बीट का सस्टेन साउंड को, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम का कैलकुलेशन है, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है ध्यान लगा के एंड मेट्रोनोम लगा के काउंटिंग का साथ में बजाना है इसको, ठीक है? चलो इसको प्ले करके देखते हैं, और एक बार, ठीक है, सिक्स लाइन में क्या है, सिक्स लाइन में 1 2 3 2 डॉटेड हाफ नोट का टाई है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 मतलब एक स्ट्रोक का 5 नोट टाई है, कंटिन्यूएशन साउंड है एंड दे हाफ रेस्ट है, ये जो सिंबल है दैट इज हाफ रेस्ट है, ओके, दो सिंगल रेस्ट और एक हाफ रेस्ट दोनों सेम ही है, तो कैसा प्ले हो रहा है? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लाइन देखते क्या है, नेक्स्ट लाइन का सेवंथ लाइन में 1 2 3 1 2 कंटिन्यूएशन है, देन एक डॉटेड हाफ नोट, एक हाफ नोट का टाई है, सिमिलर नोट है, तो एक प्ले होगा, एक प्लक होगा, मतलब एक स्ट्रोक होगा और 4 बीट सस्टेन होगा,
ऐसा प्ले हो रहा है। ठीक है अभी चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है, 1 2 3 इसमें तीन टाई है, मतलब 9 बीट आपका साउंड सस्टेन करना है, देन स्टॉप करनी है, राइट। अभी बंद हो रहा है, ओके, अच्छा है सोर इसका। अब इसको दिल लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मेरा रिक्वेस्ट इसमें 60 से 70 से जहाँ से आपको कंफर्टेबल स्टार्टिंग लगता है उसी स्पीड में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्लो से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मेट्रोनॉम लगा के मोबाइल में या कहीं पे भी कि कंप्यूटर में लगा सकते हो, मेट्रोनॉम में क्लिक काउंट करना है आपको 1 2 3 1 2। और कोई क्वेश्चन है किसी भी मैटर टाइप का कोई क्वेश्चन है यू कैन आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या आप मेल भी कर सकते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मेंशन रहता है, कभी भी क्वेश्चन कीजिएगा, ट्राई करूंगा आपको सेम डे और लेटेस्ट बाय नेक्स्ट डे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप दिल लगा कर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये पीस को भी आप कम से कम 6 to 7 मतलब एक वीक प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अनदर एक न्यू पीस के साथ। थैंक यू।